नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहाँ लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर 4 में बीती रात एक अजीबोगरीब घटना हुई। रात लगभग 1 बजे एक खाली प्लॉट में बंधी 7 बकरियों पर अज्ञात जानवरों ने हमला कर दिया। प्लॉट में रहने वाले प्रमोद के अनुसार 4 बड़े जानवर अचानक घुस आए और बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में परिणाम स्वरूप सुबह 5 बकरियों की मौत हो चुकी थी। डिप्टी रेंजर मनोज गौतम ने बताया कि मिट्टी में मिले पैरों के निशान सीआर के प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन पुष्टि के लिए बकरियों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विनय कृष्ण पांडे जानकीपुरम संयुक्त कल्याण महासमिति के महासचिव ने इस घटना को चिंता का विषय बताया और स्थानीय अधिकारियों से इलाके की झाड़ियों की साफ सफाई करने की मांग की है। क्या घटना घटित हुई है? मैं अंशुल मिश्रा सेक्टर का महामंत्री हूँ। मुझे आज सुबह संज्ञान में आया यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे ये घटना हुई है, तो इसमें देखने के फुटप्रिंट्स और ये सब जो है वन विभाग के लोग उन्होंने बताया है कि सियार आया था, जो कि जो है 6 से 7 जो है बकरियाँ मार चुका है। एक बकरी अभी भी ये पीछे देख सकते हैं आप कि जो है बकरी बड़ी हुई है और भी बकरियाँ मरी हुई हैं। कि अगर इस तरह का जानवर सेक्टर में हमारे आया है रिहायशी इलाकों में, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अगर जो है ये ऐसे ही रहा तो फिर और भी घटनाएँ सामने आती रहेंगी, और इसको जल्द से जल्द मैं शासन प्रशासन से व संबंधित विभाग से चाहूँगा कि इस पर जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेके और इसको जल्द से जल्द पकड़ने का काम किया जाए। सर, आप इस इलाके में रहते हैं, क्या आपको यहाँ पे जो जिस तरीके से रात की घटना हुई है, क्या लग रहा है आपको? मैं डॉक्टर देवेंद्र, मैं सेक्टर का अध्यक्ष हूँ। मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आया। बड़ी स्थित एक तो भय हुए, और यहाँ पे लोगों का जो वातावरण था इतना दहशतगर्द था कि एक जानवर द्वारा अटैक करके यहाँ पे 6 बकरियाँ मार दी उसने, और कुछ मरणास्थल में पड़ी हुई है। मतलब इसको तो मैं विभाग से यही आग्रह करूंगा कि इसकी समुचित पूरी जांच करा के इसका निदान कराया जाए, क्योंकि नहीं तो क्षेत्र में इतना दहशत फैल गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बालवाड़ का जनगणना समिति का अध्यक्ष हूँ। सुबह 6 बजे मुझे सूचना मिली गार्ड से कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। मैं तुरंत 6 बजे यहाँ आया, मैंने आके देखा, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस महकमे को फ़ोन किया, पुलिस महकमा आया, वन विभाग के अधिकारी आए। मैं सबसे ज़्यादा चिंतित स्थिति में इसलिए हूँ कि आज जो जानवर आए, बकरियों पे हमला किया, बकरी मर गई, चलिए ठीक है, मगर कल यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो टहलते हैं, रात बिरात कोई घटना घट सकती है। प्लॉट में मलबा भरा हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं, तो रात बिरात किसी बच्चे पे अटैक हो सकता है, लोग टहलते रहते हैं यहाँ पे। इसलिए ज़रूरी है कि किसी बच्चे पे हमला ना हो, इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। कुत्ते थे या सियार था, क्या देखा? सियार थे। हाँ। पूंछ झबले टाइप का था। हाँ। जैसे वो जंगली कुत्ते नहीं होते हैं। हाँ। जैसे वैसे थे, चितकबरे टाइप। कितने थे? 4 थे। और बकरियां कितनी थी आपके पास? बकरी हमारे 7 थी। 7 थे, 7 यहाँ बंधी थी हमारी। फिर क्या हुआ? हुआ क्या, 3 तो मार दिए थे, 1 को नोच रहे थे, तो हमने ये पाइप उठाया, उसको 3 तो भाग गए, 1 बचा था, पेट नोच रहा था, पाइप उठाए मारे धार से उसको, फिर भाग गए सब। सब भाग गए, तो सब निशान वहाँ बने हैं पूरे। अच्छा, तो बकरियाँ क्या अभी जिंदा है, कुछ या मर गई? सब मरने वाली कगार पे। जितनी मर गई वो तो बताओ, कितनी मर गई? मरने वाली 7 हैं पूरी। अभी कितनी मर चुकी? अभी हमारी 6 मर गए हैं, खाली एक बच्चा हमारा जिंदा है। और कौन कौन था घर में यहाँ पे? घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे यहाँ पे। आप वन विभाग से हैं, क्या घटना आपको यहाँ प्रथम दृष्टया देखने को मिली? यहाँ पर सूचना मिली कि कुछ जानवरों ने बकरियाँ मार दी है, तो हम तुरंत आए यहाँ पर, देखा कि जो है सियारों के निशान मिले हैं, और लोगों से यहाँ पर जितनी बकरियाँ मरी हैं उनसे पूछा तो बताया कि जो है 4 संख्या में थे जो हमारे जानवरों पर हमला किया। नहीं, कितने बजे आप यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे देखने के लिए? करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, तो अभी जो आपको यहाँ देखने को मिला, कितनी उससे घायल जो बकरियाँ थी, क्या उनकी डेथ हो चुकी है, मर चुकी हैं? 5 बकरियाँ घायल मिली, 2 5 बकरियाँ मरी मिली और 2 घायल मिली। तो अभी पैरों के निशान से क्या आपको प्रतीत हुआ? अभी कुछ जांच करेंगे फिर इसके बाद? सियार लग रहे हैं। सर, क्या घटना हुई है आपके जानकीपुरम विस्तार में? देखिए, जैसे ही मुझे सुबह मेरे संज्ञान में आया कि एक खाली प्लाट में 4-5 बकरियों के ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है, मेरे द्वारा तत्काल मनोज जी को और वन विभाग को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर आई है, और यहाँ पे आके देखा तो करीब 6 बकरियों में 5 बकरियाँ मर चुकी हैं और 1 मरणासन्न की स्थिति में है। वो तो इसका परिवार रात में नहीं था, बच्चे छोटे थे, वो कहीं चले गए थे। इसका जो चश्मदीद वो बता रहा है कि रात में जब उसको बकरियाँ चिल्लाने की आवाज़ आई तो उठा, तो उसने डंडे से दौड़ाया तो वो भाग गए। तब तक ये बकरियों के ऊपर इतना अटैक कर चुके थे कि वो सब मरणासन्न स्थिति हो गई। स्थिति यह है कि अभी इसी क्षेत्र में करीब 2-3 महीने पहले एक नील गाय आ गई थी,
उसको यहाँ से निकालने में कम से कम 2 महीने हम लोगों को प्रयास करने के बाद सफलता मिली। और ये जो घटना है, इससे जब से लोगों को सूचना पहुँच रही है पूरे विस्तार में दहशत सी फैल रही है। कारण ये है कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजना है इसमें 40% जानवरों को जंगल, निश्चित रूप से हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं, वो विस्थापित हो रहे हैं, उनको आश्रय चाहिए, लेकिन जानकीपुरम विस्तार में जंगल पर्याप्त मात्रा में खाली प्लाट जो भूखंड LDA के हैं उनमें उनको पर्याप्त रहने का और इस तरह से सुरक्षित उनका रहने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी और दहशत में हैं, क्योंकि यहाँ पे 40% से जो खाली भूखंड वो हैं सब जंगलों में वो है। और मुझे लगता है कि वो जो यहाँ रात से निकले हैं वो कहीं नहीं गए होंगे, वो आसपास किसी खाली भूखंड के जंगल में अच्छे से रह रहे होंगे। और मेरी शासन और प्रशासन से यही उम्मीद है कि कम से कम एक बार सारे भूखंड साफ हो जाएं ताकि यहाँ के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि ये देखिए सबसे निकटतम ये जो क्षेत्र है कुकरैल और उससे वन क्षेत्र से लगा हुआ है, तो अगर एक बार इनकी दहशत हो गई और संख्या भी यहाँ पे जो पता चल रहा है वो 4 से 5 के झुंड में आए थे, तो निश्चित रूप से कि वो अभी कहीं बाहर नहीं गए होंगे और वो यहाँ पे जानकीपुरम में ही अपना आसरा बनाए होंगे। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर शीघ्र ही कार्रवाई करें। हमारे साथ सेक्टर 4 के अध्यक्ष और मंत्री प्रदीप नागर जी उपस्थित हैं, ये लोग यहाँ पर हैं और थोड़ा सा बेहतर बताएंगे। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये घटना स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षा की चिंता पैदा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमलावर जानवरों की पहचान स्पष्ट होगी। इस मामले में आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।